नमस्कार। आज राइट एंगल के जरिए हम एक मुद्दा पर डिस्कशन करेंगे एंड आपका ध्यान आकर्षण करेंगे। एंड वो मुद्दा है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे जैसे हम इन्हों बात करेंगे, वो एक प्रथा है, एक गलत प्रथा है हमारा देश में, जो सब सरकार निभा रहे हैं। मेरे विचार में अभी समय आ गया है मोदी सरकार को ये प्रथा को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रथा जब तक रहेगा तब तक अननेसेसरी ये जो विवाद सृष्टि होगा एंड वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। एंड ये भी जो प्रथा है वो बिल्कुल गलत प्रथा है। हम एक गणतांत्रिक देश है तो ये प्रथा जो गलत है, मोदी साहब ने बहुत तो रूल्स नियम हटाए हैं एंड वो हमेशा बोलते हैं कि हमारा सरकार आने के बाद सब अनावश्यक जो प्रथा है, रूल है, नियम है, उसको वो ख़त्म कर चुके हैं। मेरा ख्याल में अभी टाइम आ गया है ये प्रथा को भी ख़त्म कर देना चाहिए। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, आप अभी आजकल अखबार में रोज पढ़ते होंगे, वो एनसीईआरटी का किताब के बारे में। वो एनसीईआरटी जो है उनका जो टेक्स्ट बुक सब स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसका कोई इतिहास किताब में आपने देखे होंगे कोई अभी कुछ परिवर्तन किया गया है एंड ये परिवर्तन होता रहता है। किसने बोला आरएसएस के बारे में कुछ कम हो गया, गांधी जी का बारे में कुछ पहले चर्चा था उसका कम कर दिया गया, और एक ये है कि ये जो मुग़ल जो हमारा शासन में जब चल रहा था औरंगजेब, इनके बारे में जो पहले था वो कम हो गया है, वो हटा दिया गया है। एंड ये क्या होता है जिसको बोलते हैं आजकल सैफ्रोनाइजेशन, ज़बरदस्त हो रहा है, ये आप लोग सब पढ़ते होंगे। दो तीन दिन से ये बड़ा प्रचार चल रहा है एंड एक पर्टिकुलर संस्था है कि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है ओनली अनावश्यक ये तथ्य को निकाल के कैसे विवाद तैयार करना है एंड इसको पॉलिटिसाइजेशन करना है। सब पॉलिटिकल पार्टी, सब अपोजिशन वाला एक हो गए, सरकार के तरफ एक हो गए का काम है, ठीक है, वो मीडिया का काम है वो करना, वो कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ है क्या, ये कोई नया बात नहीं है। जब वाजपेयी सरकार थे पहले बार, जब देश में बीजेपी रूल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट आया तब भी ऐसे कुछ कर दिया गया था। एंड जैसे उसके बाद यूपीए सरकार आया, इसको हटा के वो उनका लोगों को बैठाया संस्था में एंड वो सब चेंज करके फिर उन्होंने बोले कि हम जो सत्य जो है उसको हमने फिर पुनर्स्थापित किया, वो जो था वो सैफ्रोनाइजेशन हो रहा था उसको बंद करके हमारा चलेगा। तो अभी मोदी साहब आ गए, बीजेपी का सरकार है तो वहाँ भी कुछ चेंज हुआ, वो ऑब्वियसली उनका व्यथित है। अभी लोग क्यों बोलते हैं नो उनका, तो मेरा जो कहने का ये मतलब है क्या है कि एंड ये विवाद ज़्यादातर ये जो सामाजिक शास्त्र वाला जो किताब होते हैं टेक्स्ट बुक उसमें ज़्यादा होता है। साइंस में आप इतना नहीं कर सकते हैं, बट ये जो सोशल साइंसेस जो टेक्स्ट बुक है, चाहे वो इतिहास है, चाहे ये पॉलिटिकल साइंस है, चाहे सोशियोलॉजी है, ये सब चीज़ पर ये होता है। अब जानते हैं सोशल साइंस जो होते हैं वो क्या होता है कि इसमें जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा कंटेक्स्ट के साथ इसका विश्लेषण किया जाता है। तो जब जैसे कोई भी चीज़ पर मेरा विचार जो होगा वो आपका विचार नहीं होगा, मैं एक चीज़ को एक नज़रिया से देख रहा हूँ, आप लोग दूसरे नज़रिया में देखेंगे। यही है तो डेमोक्रेसी, यही तो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। लेकिन क्या होता है जब बीजेपी सरकार आता है तब ये बोलते हैं कि आपका नज़रिया में जो कर रहे हो ये गलत है, तो वो आ जाएंगे तो वो वाला बोलेंगे कि भाई हमारा नज़रिया जो है ये सच है। अभी ये सरकार बोलेगा ये नज़रिया हमारा जो नज़रिया सत्य है। ये क्या सरकार का काम है क्या इतिहास किताब लिखेगा, ये सरकार का काम है क्या कोई टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस करना?
जैसे हमारा जो अभी जो चल रहा है, जैसे लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, जैसे हमारा पहले ये जो तंत्र था, हमारा अर्थतंत्र था, जिसमें आपका वो गवर्नमेंट नो सेक्टर का ज़्यादा प्राइमेसी था, भोजन था, जैसे यू नो आपका प्राइवेट सेक्टर, अभी हम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कंसेप्ट आया, अभी हम बोल रहे हैं कि जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा तब तक देश नो ज़्यादा उन्नति नहीं कर सकता है, बिकॉज ये प्रोड्यूस करना, चीज प्रोड्यूस करना, चीज को बेचना, जैसे सरकार का कोई काम नहीं होता है, कोई भी दुनिया में कोई सरकार ऐसे नहीं करता है, अनलेस इट इज़ ए कंट्रोल्ड कमांड इकोनॉमी, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज में, अथॉरिटेरियन और डिक्टेटोरियल कंट्रीज में होता है, कोई भी सरकार वो नहीं करता है। सिमिलरली सरकार का काम नहीं टेक्स्ट बुक लिखना, ये बहुत गलत बात है, बिकॉज इसमें आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूं, जब हमारा इमरजेंसी जब हुआ था, जब आपातकालीन शासन जब था 1975 to 1977 में, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोले कि इंडिया का जो इतिहास है हम इन्हों लिखेंगे, सो दैट क्या होगा 100-200 साल के बाद जब लोग को मौका आएगा वो पढ़ेंगे, तो वो कैप्सूल बनाए, कैप्सूल बना के वो लाल किला के अंदर मिट्टी के अंदर उसको रखा गया कि बाद में कभी डिस्कवरी होगा। आपको पता है इसका मतलब क्या है? सरकार अगर कैप्सूल बना के, मतलब वो सरकार का इतिहास है, जो जैसे बोलेंगे इतिहास जैसे रचना किया जाएगा कि लिखेंगे, तो वो रख गया गया, तो ठीक है। सब्सिक्वेंटली जब जनता सरकार आया उसको डिग आउट करके उसको निकाला दिया गया, जैसे बोले सिमिलरली, जैसे बिकॉज सरकार का काम नहीं है इतिहास में लिखना, एंड वो बिल्कुल सही डिसीजन था जब जनता सरकार आया, इसको जैसे निकाल के फेंके गए। सिमिलरली सरकार का काम नहीं, कि सरकार का जो संस्था एनसीईआरटी है इसका काम नहीं है अभी टेक्स्ट बुक लिखना, ये सिस्टम को प्लीज चेंज करो, बिकॉज वो जो टेक्स्ट बुक जो लिखते हैं वो ऑब्वियसली आपका लोग लिखेंगे, उनका लोग लिखेंगे, उनका लोग, हम जब पढ़े थे, हम जैसे लोग पढ़े थे, आई थिंक हम लोगों का ज़्यादा एक्सपोजर था, मेरे को ये दुख लगता है बताने के लिए, आजकल का बच्चे वो आईटी टेक्नोलॉजी दे ज़्यादा माइंडेड होते हैं, बट इनका जो मेंटल जो हराइजन ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो रहा है, ये दुख का बात है। बिकॉज हम लोग जब पढ़ते थे हमको हमारा टीचर बोलते थे कि भाई इतिहास है ये 4-5 किताब इस सब्जेक्ट में इतिहास पर है, आप लोग पढ़ो एंड सबका अच्छा अच्छा पॉइंट लो ये करो। लेकिन अभी क्या होता है, स्कूल में एनसीईआरटी का किताब एक ही किताब है, आप यही किताब पढ़ो। दूसरा बात यह है, आप एक साइड में बोलते हो कि हमारा कंट्री में जो होता है वी बिलीव इन दैट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ इतना बड़ा देश है, इतने भाषे हैं, इतना प्रदेश है, तो आप जैसे बोलते हैं कि सबका जो तरीका होता है, प्रणाली होता है, उनका सांस्कृतिक प्रणाली, इनका अर्थनैतिक प्रणाली, इनका सामाजिक प्रणाली, जैसे जगह टू जगह भारी करता है, तो आप इसको मोनोलॉग और कोई यूनिटरी सिस्टम इस पर इम्पोज थोक नहीं सकते हैं। तो इतना बड़ा देश में कुछ लोग एनसीईआरटी ने किताब लिखेगा वो बोलेगा वही किताब सारा देश पर तुम पढ़ो, क्यों भाई? ये कौन सा यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रिंसिपल का आप पालन कर रहे हैं? तो बात ये है, तो आप जब तक ये करोगे, हिस्ट्री शुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, आप नहीं लिख सकते हैं हिस्ट्री, बोलोगे कि यही है हम लोग जो पढ़े हैं, ऑब्वियसली जो मुगल जो पढ़े हैं, जो लोगों ने जो कांग्रेस इकोसिस्टम में, बिकॉज मैं जब बोल रहा हूँ एनसीईआरटी सपोज ये हुआ मेरा ख्याल में 64-67 में कभी ये गठन किया गया, एंड एनसीईआरटी का काम बहुत कुछ है, टीचर्स को ट्रेनिंग देना, आपका एजुकेशन पॉलिसी को और प्रचार करना, उसको कैसे उसका अभी क्या लगता है, ऐसे लगता है कि एनसीईआरटी का और कुछ काम नहीं है, ओनली टेक्स्ट बुक लिखना है, क्यों भाई? भाई क्यों एक टेक्स्ट बुक को हम क्यों पढ़ेंगे, हम क्यों भाई इतिहास 5 डिफरेंट टाइप का करेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा हम देखेंगे, हम लिखेंगे, करेंगे। हाँ, आप कुछ गाइडलाइंस दे सकते हो, कुछ गाइडलाइंस दे सकते हो, वो एनसीईआरटी का काम है, बट गाइडलाइंस देना एंड खुद जाके आपने अपॉइंटमेंट करके आप अप्रूव करके टेक्स्ट लिखाना, वो बहुत गलत बात है।
इसमें आप यूनिटरी सिस्टम इंपोज कर रहे हो। जैसे हम लोग क्यों पढ़ेंगे, अभी जो बच्चा पढ़ेंगे वो तो ओनली वही पढ़ेंगे जो कांग्रेसी हिस्टोरियन वाले ने जो सब लिखे थे, वो जो सिस्टम वाला जो थे। अभी सरकार चेंज कर रहा है, वो अच्छा बात है। अभी जो एनसीईआरटी कुछ चेंजेस हो रहा है, जैसे वो आर्या द्राविड़ वाला डिवीजन करा दिया। भाई वो आर्याज वाला इंडियन थे कि ये लोग तो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो सब बाहर से आए थे। यही अनसेंट इंडिया का टेक्स्ट आप देखिए, जो पहले सब लिखा गया था वही सब कर रहे। अभी वो भी ब्रॉडली अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया गया। अभी लग रहा था इंडिया का इतिहास जो है वो ओनली मुगल लैंड, इनका इतिहास दिल्ली सेंट्रिक इतिहास। इतना बड़ा देश है, आप इन्होंने करोगे इतना बड़ा देश में भाई उड़ीसा का इतिहास है, साउथ आंध्रा का इतिहास है, महाराष्ट्र का इतिहास है, गुजरात का इतिहास है, तमिलनाडु का इतिहास है, तो ये जो आप लिख रहे वो दिल्ली सेंट्रिक इन्होंने इतिहास क्यों भाई सारा देश में क्यों आप इनके पर थूकते हुए? ये तो आपका काम नहीं है। हिस्ट्री शुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आप जब तक ये प्रथा को मूल जड़ नहीं जाओगे, ये विवाद को आप कभी खत्म नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा इन विचार है कि आई होप आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, सहमत होंगे कि टाइम आ गया, सरकार का यह काम नहीं है इतिहास लिखना। एंड मैं उम्मीद करता हूं जे मोदी सरकार ये प्रथा को बंद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।